हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूमिका की किचन। तो आज मैं आपके लिए पनीर अफ़गानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको कि मैंने बहुत ही इजी वे में बनाना बताया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अभी इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाला है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको डालकर हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये सारा मसाला इसके चारों ओर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और अभी इसको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, आपको जो भी ऑयल पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अभी इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसाले में मैंने 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और तेज़पत्ता डाला है। इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च कट करके इसमें डाल दिया है। अभी मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज रफली कट करके इसमें डाला है। प्याज को हम इसी तरह से कट करके डालेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। और इसमें अभी मैंने एक बंच हरी धनिया डाली है। हरी धनिया को मैंने डंठल सहित डाला है और हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हमें ट्रांसलूसेंट करना है। और इसमें मैंने 8-10 काजू डाला था, जिसका कि वीडियो हमसे मिस हो गया। तो ये देखिए, हमारी प्याज भी हल्की सी पक गई है। तो हमें प्याज को बस इतना ही पकाना है। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अभी हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इससे हम खड़े मसाले निकाल लेंगे, स्पेशली तेज़पत्ता और दालचीनी। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और फिर इसमें हम फ्रेश और थिक दही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाला है। आपका दही खट्टा नहीं होना चाहिए और थिक होना चाहिए। इसके बाद हम इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अभी उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल फिर से डाला है और अब हम इसी में अपनी पनीर को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो हमें पनीर को दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये देखिए, हमारी पनीर काफ़ी अच्छी तरह से सिक गई है और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसको मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक दिया है। अभी इसको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अभी उसी पैन में मैंने फिर से ऑयल डाल दिया है। जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें ये ग्रेवी वाला पेस्ट डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अभी इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, तो उसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला डाला है। इन सबको डालकर हम लगातार इसे चलाते रहेंगे।
अभी इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, पर इसमें मैंने काजू ऐड किया है इसलिए इसमें क्रीम को मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाती है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हो। आपको इसकी ग्रेवी कैसी रखनी है, पतली या थिक, उस हिसाब से पानी को थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अभी इसमें मैंने पनीर के पीसेस डाल दिए हैं और इसको हम ढक कर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट पकाएंगे, जिससे कि पनीर के अंदर ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए। ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और हमारी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है और ये हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो आखिरी में हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। और ये हमारी पनीर अफगानी रेडी हो गई। तो इसे आप रोटी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पनीर अफगानी आप ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।